subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको 2-pin कैपेसिटर की जो वायरिंग होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. इसका वायरिंग डायग्राम भी यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे. और ये आपको जो है 2-pin का कैपेसिटर है, ये आपका 45 mFD या 35 ये आपको 10H के हिसाब से यूज करना है. जो आपका कैपेसिटर ये 2-pin का 1 और 2-pin जो है इसकी वायरिंग जो है आपको यूज करना है. तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें पार्ट्स कौन कौन से लगेंगे. तो यहाँ पे आप टर्मिनल ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, ये टर्मिनल ब्लॉक है और ये ओएलपी है, ओएलपी यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर, और ये एक कंप्रेसर है और ये रन कैपेसिटर है, यानी कि ये 2-pin का रन कैपेसिटर है. तो ये कुछ इस तरीके से ये आपको पार्ट्स लगेंगे. और वायरिंग की मैं बात कर लूँ तो वायरिंग जो है आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये फेस है और ये न्यूट्रल है और ये अर्थिंग है. फेस आपको निकल के जो है पहले ओवरलोड पे आएगा, ओवरलोड प्रोटेक्टर पे आएगा और यहाँ से आउट होकर आपके कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे आ जाएगा. और इसी तरीके से हम न्यूट्रल की बात कर ले तो न्यूट्रल आपको यहाँ पे रनिंग पे आएगा और रनिंग से आउट होकर, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इसमें से कोई भी आप ऐसे भी करके लगा सकते हैं, ऐसे भी करके लगा सकते हैं, कोई भी पॉइंट को रन बना सकते हैं. तो यहाँ पे अगर न्यूट्रल दे रहे तो यहीं से आउट करके यहाँ से रनिंग का पावर यहाँ से देना है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसी पिन से मैं आउट करके कंप्रेसर का रनिंग जो है यहाँ पे दे दिया है मैंने. और स्टार्टिंग की बात कर ले तो स्टार्टिंग का जो कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट है यहाँ से, अगर यहाँ पे आप रनिंग दे रहे हैं तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग देना होगा. जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैं आपको स्टार्टिंग दे रहा हूँ, कंप्रेसर को स्टार्टिंग दिया हूँ. तो ये कुछ इस तरीके से कंप्रेसर का स्टार्टिंग का कनेक्शन यहाँ से कर देना है कैपेसिटर से, आप देख पा रहे होंगे. और जो अर्थिंग है आपको सिंपली जो है बॉडी से कनेक्ट कर देना है. तो ये कुछ इस तरीके से इसकी वायरिंग होती है. और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे मैंने फेस दिया हुआ है ओवरलोड को, आप इसी तरीके से न्यूट्रल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंप्लीट जो वायरिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है. मैं आपको इसको हटा देता हूँ, फेस और न्यूट्रल को मैं हटा देता हूँ. तो ये कुछ इस तरीके से इसकी वायरिंग होती है. अगर आप यहाँ पर भी फेस दे सकते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल और ऊपर न्यूट्रल और नीचे भी फेस दे सकते हैं, यानी फेस की जगह पे न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह पे फेस भी दे सकते हैं. सब मिला जुला के आपको जो है 220 का जो है पावर सप्लाई यहाँ पे मिलना चाहिए, 220 का जो है पावर सप्लाई मिलना चाहिए. या फिर यहाँ पे फेस दीजिए, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल दीजिए, यहाँ पे फेस दीजिए. लेकिन ये वायरिंग जो है कुछ इस तरीके से वायरिंग होनी चाहिए. यहाँ पे जो वायरिंग आप देख पा रहे होंगे, ये वायरिंग जो है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए. तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू.